फैक्ट टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। दोस्तों, जिस प्रकार भारत में बंगाल का जादू सबसे प्रचलित है, ठीक उसी प्रकार अफ्रीका में वूडू प्रसिद्ध है। तो वूडू को हम अफ्रीकी काला जादू भी कह सकते हैं। अफ्रीका के शहर टोगो की राजधानी लोम में स्थित एकोडेसिवा फेटिश मार्केट विश्व की सबसे बड़ी वूडू मार्केट है। वूडू की शुरुआत वेस्ट अफ्रीका से हुई थी। इस विद्या को गुलामों द्वारा अमेरिकी देशों में पहुंचाया गया था। टोगो, नाइजीरिया और घाना में आज भी इसका बहुत प्रचलन है। वूडू जादू में मुख्य तौर पर जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। वूडू का प्रयोग करने वाले तांत्रिकों का दावा है कि वह जानवरों के अंगों और ताबीजों से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो चाहे फिर दंपत्ति को बच्चा ना होने की समस्या हो या फिर किसी खिलाड़ी द्वारा बढ़िया प्रदर्शन ना करने की समस्या या फिर व्यापार में घाटे की समस्या हो। एकोडेसिवा फेटिश मार्केट टोगो के रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। इस मार्केट में जानवरों के अंगों को रस्सियों से लटकाया जाता है और मेजों पर सजा कर रख दिया जाता है। वूडू जादू में सबसे अहम रोल जानवरों के अंगों का ही है। वूडू का प्रयोग करने वाले तांत्रिकों का मानना है कि इस धरती पर उपस्थित प्रत्येक प्राणी शक्तिशाली और दैवीय है, जिससे किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, वूडू जादू में अलग अलग समस्याओं का समाधान जानवरों के अलग अलग अंगों का इस्तेमाल करके किया जाता है। इस बाजार में कई तरह के जानवर जैसे बंदर, मगरमच्छ, घड़ियाल, बकरी, लंगूर, ऊंट, छिपकली, तेंदुए आदि के शरीर के कई अंग जैसे कि सर, धड़, पैर, लीवर, अंडकोश, सींग, खाल, नाखून आदि देखने को मिल जाते हैं। इस मार्केट को देखने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, जिनमें से इलाज करवाने वालों की संख्या बहुत कम होती है। हालांकि यहाँ पर अनेक पर्यटक आते हैं जो कि सिर्फ मार्केट को देखने के मकसद से ही आते हैं। वूडू जादू का प्रयोग स्थानीय लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनकी वूडू जादू पर गहरी आस्था है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।